नए साल में भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने आ रहे हैं तो जान ले एक प्रमुख बात। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दर्शन करने प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को यह मालूम है कि काल भैरव के दर्शन सर्वप्रथम किए जाते हैं। महाकाल दर्शन करने से पहले काल भैरव की दर्शन करने की मान्यता है। भगवान काल भैरव उज्जैन के द्वारपाल कहे गए हैं। ऐसी भी परंपरा है काल भैरव के दर्शन के बिना महाकाल के दर्शन अधूरे हैं। पहले काल भैरव के दर्शन करके शहर के कोतवाल से आज्ञा लेनी पड़ती है कि महाकाल दर्शन करने जा रहे हैं, उसके बाद में महाकाल दर्शन करने जाए। यह जानकारी काल भैरव मंदिर के ईश्वर चतुर्वेदी पंडित जी ने बताया। जानते हैं उनसे पौराणिक महत्व। दर्शन की मान्यता यहाँ पर इस प्रकार की है कि उज्जैन में महाकाल महाराज राजा के रूप में विद्यमान है और श्री काल भैरव श्री भगवान इनके सेनापति के रूप में विद्यमान है। यहाँ पर मान्यता ये है कि यहाँ पर उज्जैन आने वाले सभी यात्री पहले भगवान श्री काल भैरव के दर्शन करें और सेनापति जी से अनुमति लें राजा के दर्शन करने की, ये मान्यता है। मान्यता वर्षों पुरानी व्यवस्था है, जो मंदिर का निर्माण हुआ जब से मंदिर की व्यवस्था शुरू हुई है 6000 वर्ष पुरानी व्यवस्था है। राजा भद्रसेन ने महाभारत काल के पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया, तब से ये परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा का वर्षों से निर्वहन किया जा रहा है। यहाँ पे ये मान्यता है कि द्वारपाल से क्षेत्रपाल से पहले अनुमति ली जाती है और फिर राजा के यहाँ जाया जाता है, ये व्यवस्था का निर्वहन किया जाता है और इसी तरीके से यात्रियों को ये व्यवस्था करना रहती है। परंतु पहले यात्री वहाँ चले जाते हैं महाकाल में और बाद में यहाँ पर आते हैं, जबकि मान्यता यह है कि पहले सेनापति जी के पास में जाया जाए और उसके बाद में बाबा महाकाल के यहाँ पे दर्शन करने के लिए जाया जाए।